सीखेंगे वेदांतु का अकाउंट परमानेंट डिलीट कैसे करना है ब्रो। अगर आपने अभी तक वो मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, बैजू का भी आ चुका है, टॉपर ऐप दोनों का भी आ चुका है, उसका कॉल और ब्लॉक कैसे करना है और परमानेंट कैसे दोनों का अकाउंट डिलीट करते हैं, और आज मैं आपको वेदांतु के ऐप का परमानेंट अकाउंट डिलीट कैसे करते हैं ये बताने वाला हूं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और मेरा एक और वीडियो आ चुका है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है कि आपको कितना भी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। और ये भी देख लेना बैजू और टॉपर का भी मेरा अकाउंट परमानेंट डिलीट करने का डला हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब कर लेना अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और टैग में, तो आपको तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूं करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। क्रोम ब्राउज़र खोल लोगे या क्रोम खोलो, गूगल खोलो, कुछ भी खोल लो, ठीक है, सब चलेगा। फिर तुम लोग को होम पेज में जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है vedantu.in। ठीक है, vedantu.in सर्च करोगे तो फिर ये देखो थोड़ा नीचे करना, यहाँ पे आएगा फिर वेदांतु का, फिर इसमें आपको चले जाना है, फिर सबसे नीचे जाना है, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है भाई, सबसे नीचे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन। कॉन्टैक्ट अस में जैसे जाओगे भाई, सबसे पहले तुम लोग बता दो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है वेदांतु का, ये भाई पहला नंबर में कॉल नहीं करना तुम लोग को, 988 वाले में कर लेना है, उसमें कॉल कर लेना तुम लोग को और बोल देना कि मेरे को अपना अकाउंट डिलीट करवाना है, बस बात खत्म। सेकेंड ट्रिक में देख लो यहाँ पे कहीं पे मेल दिया हुआ है bondwithus@vedantu.com, तो इसी में हम मेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको अपना जीमेल ओपन कर लेना है, और जीमेल ओपन करने के बाद आपको यही ध्यान देना है कि ये वही रजिस्टर्ड वाला जीमेल होना चाहिए जिससे आपने vedantu.com का वेबसाइट बनाया था, मतलब वेबसाइट में जब आप लॉगिन हुए थे तब वही वाले अपने ईमेल आईडी से लॉगिन किए थे। तो मैंने बनाया ही नहीं है, पर भी मैं यही अकाउंट से भेज देता हूँ आपको। यहाँ पे प्लस का आइकॉन में क्लिक करने के बाद टू में जो यहाँ पे लिखा हुआ था यही सेम ईमेल एड्रेस पे आपको भेजना है, bondwithus@vedantu.com। ठीक है, इस ईमेल में आपको भेजना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसमें आपको लिख देना है रिक्वेस्ट टू डिलीट माय अकाउंट, और यहाँ पे आपको लिखना है अपना सबसे पहले नेम, जो भी आपका नेम अकाउंट बनाए होंगे उससे आप अपना नेम करके यहाँ पे आपको लिख के भेज देना है, और सेकंड में आपको फिर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जो आपका रजिस्टर्ड वाला है जिससे आपने अकाउंट बनाया था, तो मोबाइल नंबर डालना है आपको। तो फिर मैं भी ऐसे कुछ भी कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिक्वेस्ट टू डिलीट माय अकाउंट, आपको ये लिखना है और बस सेंड कर देना है। जैसे आप वहाँ पे सेंड करोगे उसके बाद आपके जो मेल है वो चले जाएगा, मेल जैसे चला जाएगा उसके बाद आपका अकाउंट 24 आवर के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा। दोनों ट्रिक काम करने वाला है वैसे भी, तो आप ये दोनों ट्रिक यूज़ जरूर करना, अकाउंट डिलीट करना है, और ये 100% ट्रिक काम करता है, मगर आपको 24 आवर वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई अगर ट्रिक काम करे तो चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं।